सिरसा की लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद के भट्टू कला पहुंची, जहां पर उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने दीपेंद्र हुड्डा पर और उसके बयान पर चुटकी ली। कहा, दीपेंद्र जरा बताएं और वह इस बात को समझाएं कि किन किन भाजपा नेताओं के साथ वे सुबह से शाम तक रहे हैं। और रही बात नहाने की, तो नहाना इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अनाज मंडी पर आढ़तियों की हड़ताल तथा धारा 134 के तहत दाखिला न लेने पर अड़े स्कूल संचालकों की कार्यप्रणाली कहीं भाजपा के लिए समस्या सुलझ नहीं बन जाएगी। इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए दुग्गल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी जो भी समस्याएं हैं बैठ करके निदान किया जाएगा। देश और प्रदेश की जनता की समस्याओं का हल करना और उन्हें दूर करना व उनके हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट, फतेहाबाद से राजेश भांबो के साथ। जी मैम, आप अपने दौरे किया, कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत बढ़िया रुझान है और बड़ा ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में और सभी जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और वो बदलाव जो है सिरसा में, आपकी बार बदलाव चाहते हैं, हर हालत में बदलाव चाहते हैं। और जो नज़र भी आ रहा है कार्यकर्ताओं के उत्साह से, जनता के उत्साह से, कि हमारे पास समय की कमी पड़ रही है लेकिन लोगों के कार्यक्रम इतने ज़्यादा हैं कि हम दिन में और रात में लगातार भी करते रहे, मुझे लगता है तो भी शायद समय कम पड़ेगा। पिछले 5 सालों से आप जनता के बीच जा रहे हैं जी, जुड़े भी हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता आपसे मिल रही है और क्या आगामी आपके जो समस्याएं यहाँ के बताई जा रही हैं, अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि लोगों ने ये देखा है कि अब तक जो यहाँ पर रही है ना, वो परिवार की पार्टियाँ रही है और अब वो चाहते हैं कि ऐसी जो है पार्टी वो यहाँ से उनका सांसद बने कि जिसका सरोकार जो है वो सुरक्षा से हो, जिसका सरोकार जनता के विकास से। और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, इसलिए उनकी ज़्यादा कोशिश ये है कि यहाँ पर जो है अब की बार कमल का फूल खिलना चाहिए। मंडी व्यापारी भी जिस तरह से हड़ताल पे हैं, जिनका कहना है कि अटेंडिंग की जिस तरह की समस्या थी 5 साल में सरकार ने सुलझ की, उसके बाद जो स्कूल प्रशासन है वो भी 134A को लेकर अड़े हुए हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसकी समस्या उठानी पड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको हम साथ में लेकर चलेंगे, इनसे जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको बैठ के हम सुलझाएंगे। ये हमारी जनता है, ये हमारे नागरिक हैं और इनकी हर तरह से जो है इनका ध्यान रखना, इनकी हर बात पे गौर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इनको बिल्कुल बिठा के बातचीत करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि मैंने कौन सी बीजेपी की भैंस बोली, मेरे पीछे पड़े हुए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो है उनका जो वो कहते हैं, ये उनके बारे में वो वही जाने भाई, भैंस खोल ली, गाय खोल ली या क्या खोल ली तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि भाजपा नेताओं को कोई काम नहीं है, सुबह उठ के नहाके और सिर्फ उन पे ही टिप्पणी करते हैं, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता नेता, तो वो किन किन भाजपा नेताओं के साथ सुबह से लेके शाम तक रहे हैं जरा एक बार मुझे बता दें, ताकि हम भी देख लें कि सुबह से शाम तक नहाते तो शायद सारे ही हैं, कहते हैं कि भाजपा के नेता सुबह नहाते, मुझे लगता है कि ये तो वो तो सभी जो है नहा धो के प्रभु का नाम लेके तब अपने काम पे निकलते हैं। जिस तरह डेरा फैक्टर में माना जाता है एरिया में, तो क्या समर्थक उन डेरा प्रेमियों को आपको मिल रहा है जी? देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की आस्था जो है ना वो एक अलग विषय है, किसी की कहीं आस्था हो सकती है, किसी की कहीं आस्था हो सकती है, और लोकतंत्र में अपना वोट डालना ये एक अलग विषय है, तो हमें इन दोनों विषयों को आपस में जो है वो गुथमुथ नहीं कर देना चाहिए। तो जो जिनकी जहाँ आस्था है, आप देखिए हर धर्म के लोग हैं जो यहाँ पर, हर धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्मों को मानते हैं, तो जिनकी जो जहाँ आस्था है वो अपनी आस्था से वहाँ पर अपना जो है उनके साथ कंटिन्यू करें। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी की जिम्मेवारी बनती है ये कि वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें।